किस समय? समय जैसे जो नहीं करते अपनी जात में कर रहा है, उसमें जात दूसरे जात के कर रहा है, हाँ जो करता है उसमें करते हैं अपने जात। तो उस समय जातियाँ थे ही नहीं ना, तो नहीं। कौन बोलता है? यादव नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, वैश्य नहीं थे, शूद्र नहीं थे। वैसे वर्ण था ना, वर्ण है, जाति थोड़ी ना है। क्षत्रिय कोई जाति थोड़ी है, वर्ण है। जातियाँ नहीं थी। अंग्रेजों ने जातियाँ बनाई है। जब पहली बार जब पुर्तगाली सब आए, गोवा कब्जा किए, उधर जातियाँ होती थी, स्पेन में, पुर्तगाल में, सब उधर उधर जातियाँ होती थी, भारत में जातियाँ नहीं होती थी। ये लोग उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं प्रोपेगेंडा करने वाले कि भारत में ही जातियाँ हैं, उधर जातियाँ नहीं। जबकि सच्चाई है कि भारत में ही जातियाँ नहीं थी, जातियाँ उधर ही होती थी। तो स्पेन के जो लोग आए, पुर्तगाली सब, पुर्तगाल के आए सब जगह, तो वे सब जगह अपना जो ढांचा था उसको फैलाए हर जगह। जो वर्ण आप कर रहे हैं या वर्ण था, मान लीजिए कर रहे हैं, हाँ वर्ण तो अलग अलग है ना, नाम दिया गया है ना। हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम दिया गया है। तो वर्ण जो था ना, तो वो बदलता था, आप बदल सकते थे अपने कर्म से वर्ण को। मनुस्मृति में लिखा है शूद्रो ब्राह्मणताम एति, ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, हाँ क्षत्रियात जातमेव तु विद्या वैश्या तथैव च। यानी यानी ब्राह्मण जो है शूद्र बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, और वैश्य क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय वैश्य बन सकता है, कोई भी हो सकता है अपने कर्म के अनुसार। एक ही परिवार में ब्राह्मण भी हो सकता है, एक लड़का ब्राह्मण हो, एक लड़का वैश्य हो, एक लड़का शूद्र हो, इस तरह का हो सकता है। हाँ तो ये जातिवाद वाला सिस्टम जो है ना, पुर्तगालियों ने यहाँ पर शुरू किया, और फिर अंग्रेजों में भी यही था, जातिवाद था। तो अंग्रेज सब भी जब यहाँ आए तो भारत को उसी अपने ढांचे पर बांधे। अंग्रेज में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती जैसे नहीं नहीं अंग्रेजों में पूरा सिस्टम है। हाँ और क्या, कौन बोल दिया कि नहीं? हाँ नहीं, ब्याह की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ब्याह तो अब दुनिया में सब कोई सब जगह कर रहा है। हाँ वहाँ पर वो सिस्टम जन्म से माना जाता था, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में तो दास प्रथा हार्ट हाल में हारती है, जैसे दास बनाते थे, गुलाम बनाते थे, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं देते थे, स्त्रियों को वोट का अधिकार नहीं था। वोट का अधिकार स्त्रियों को भारत में पहले मिला ब्रिटेन से। तो यहाँ पर जातवाद वाला सिस्टम किया, और जानते हैं जात किस आधार पर यहाँ शुरू किए, कैसे किस तरह तो बनाया, सुनो तो हंसी लगेगी। अम्बेडकर ने इसकी बहुत आलोचना भी की। एक रिसले नाम का एक था, हाँ तो उसने ये जो है जातवाद का शुरुआत किया। हाँ और उसने आधार क्या बनाया, कौन बड़ी जात है, कौन छोटी जात है, जो भी देखते हो ना, फलनवा बड़ी जात है, ढिकनवा छोटी जात है, तो ये कैसे पता चल रहा है कौन बड़ी जात है? कहीं किसी ग्रंथ में तो कहीं लिखा नहीं है। भारत में तो जातवाद था नहीं कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ हो कि भाई इस वर्ण के अंतर्गत ये जातियाँ आती हैं, इस वर्ण के अंतर्गत ये जातियाँ आती हैं, ये सब तो कुछ था नहीं। ये तो अंग्रेजों ने बनाया। हाँ उन लोगों ने क्या किया, पहले तो अंग्रेज नहीं रहे होंगे। हाँ जब अंग्रेज नहीं थे, पुर्तगाली नहीं थे, तो भारत में जातियाँ थे ही नहीं, यहाँ कुल परंपरा। हम बात की नहीं बात करें, यहाँ बीच की बात, यहाँ कुल परंपरा थी, कुल परंपरा, वंश परंपरा थी, कुल कहते थे। हाँ और यहाँ पर जो मनुस्मृति में जो बताया गया, वर्ण परंपरा, वर्ण था, तो वर्ण मनुस्मृति से बन रहा है, और गोत्र मनुस्मृति से नहीं, वेद से मनुस्मृति बात की है, वेद से। और सबसे पहले पहले कौन पैदा हुए? सबसे पहले हाँ महाराज में पैदा हुए, मनु महाराज के ही ना हम जो सुनता है। हाँ सबसे तो फिर वेद मनु जो है, वेद को कौन लिखा? हाँ वेद को कौन लिखा? वेद को अपुरुषेय कहा जाता है, अपुरुषेय कहा जाता है। जैसे ये सब कहते हैं अपुरुषेय का मतलब कि हमारा अल्लाह ने दिया है ऊपर से। नहीं नहीं उस तरह का नहीं सिस्टम है, उस तरह का नहीं है। अपुरुषेय
का वो मतलब नहीं है कि वो, उसका मतलब है कि वो मंत्र जो है ना अवतरित होता है, और मंत्र जब अवतरित हुआ ऋषि में तो ऋषियों ने उसको संहिता के रूप में वो कर दिया। मनु पहले थोड़ी आए, मनु राजा थे। राजा थे तो प्रजा होगी तभी ना राजा होगा, कि बिना प्रजा का राजा हो जाएगा। पहले आए ना मनु, पहले राजा थे, माने प्रथम राजा जो है वो मनु है। प्रथम मानव नहीं है वो, प्रथम राजा है। मानव कैसे पैदा हुआ इसकी बात आ रही है ना, मानव कैसे पैदा हुआ, पैदा से ही ना शुरुआत होगी तो आदि काल में भी वहाँ जाना आदि सभ्यता जो है। मानव का जो विकास की बात तुम पूछ रहे हो कि मानव उत्पन्न कहाँ से हुआ, तो शास्त्रों में इसके विकास की कथा नहीं लिखी हुई है। नहीं, ये सब वैज्ञानिक अपने से बना है, इसका मतलब वैज्ञानिक हाँ, तो ये सब जो है उस ये विकास का क्रम ये ऐसे बताते हैं कि मानव जो है पहले आदि मानव था, लेकिन ये मानव की कथा में कुछ इस तरह का नहीं है। वैज्ञानिक जो है जीवाश्म वगैरह जो मिलते हैं, ये सब मिलते हैं कहीं से, उसी से अपना लिंक जोड़ रहे हैं। उसके पास भी कोई प्रमाण नहीं है वास्तव में, विज्ञान के पास भी। हम लोग अभी मर गए दवा का यहाँ पर, अब बहुत दिन बीत जाएगा तो खुदाई होगी तो हम लोग का कंकाल ही ना मिलेगा। हाँ, तो एक इस तरह तो उस तरह तो कंकाल कुछ मिले हैं, कुछ कंकाल तो ये लोग कृत्रिम रूप से बना भी लिए हैं, सब ये भी घपला भी किए हैं, मतलब घपला भी किए हैं उसमें लोगों को निकालने के। हाँ, तो इस तरह से कई वैज्ञानिक होते हैं ना जो नाम के लिए कुछ करते हैं, तो ऐसा भी कांड हुआ है और कुछ मिले भी हैं, तो उससे एक लिंक जोड़ जोड़ करके लोगों ने बताया है कि भाई हम लोग इस तरह से विकसित हुए। हाँ, तो वो तो लाखों बरस पहले की कहानी हो गई। मतलब इसका कोई मतलब दो मान नहीं है, विज्ञान यही मानता है कि 2,00,000 वर्ष पहले जो है आदमी जो है चलना शुरू किया, उसको होमो इरेक्टस कहते हैं, होमो इरेक्टस, उस जो प्रजाति जो चलने लगी उसको, उसका नाम विज्ञान ने दिया है होमो इरेक्टस, जबकि वो सीधे खड़ा हो गया और चलना शुरू किया। हाँ, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे विकसित होते हुए हम लोग यहाँ आए, अफ्रीका, अफ्रीका से होकर के हम लोग को यहाँ माना जाता है कि अफ्रीका से होकर के हम लोग भारत में आए। अब भारत पहले अफ्रीका में सटा हुआ था, बाद में ये ड्रिफ्ट होकर के हटा है। थ्योरी है जियोलॉजी में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मानव विज्ञान हम लोग पढ़े हैं। मनु के विषय में, मनु के संतान है, कहने का मतलब यह है कि मनु हम लोग के पहले राजा थे और उन्होंने जो है वो कोडिफाई किया कि समाज किस तरह से चलना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए। ऋषियों ने पूछा कि समाज में क्या नियम होने चाहिए, तो वो मनु ने बताया, स्वयंभू मनु। मनु में भी स्वयंभू मनु, कई मनु होते हैं, और क्या व्यवस्थित मनु भी हैं, 14 मनु माने जाते हैं, तो अभी व्यवस्थित मनु है, लेकिन सबसे पहला मनु जो है वो स्वयंभू मनु है। हाँ, इस समय जो अभी काल चल रहा है ये व्यवस्थित मनु का चल रहा है। हाँ हाँ, तो हर काल में मनु होते हैं, कहने का मतलब है कि मनु जो है ना एक टाइम का यूनिट है, ये जान लेना। मनु तो मतलब कि मन से होता है, मनु अर्थात मन के द्वारा जो उत्पन्न है, तो ब्रह्मा के पुत्र मनु माने जाए। तो मन से उत्पन्न होने के कारण मनु, और मनु जो है ना ये जो इसी से मनवंतर चला है, तो मनु जो है वह एक समय का माप भी है, इकाई भी है, काफ़ी बड़ी इकाई है, तो वो समय के यानी उस समय के दौर में जो होता था उसको एक मनु मानते थे, उसका मतलब तो मनु का यह काल हो गया, फिर मनु का यह काल हो गया, ऐसे माना जाता था। यानी मनु कोई व्यक्ति नहीं हो करके, मनु जो है समय है, जैसे ये युग बांटते हैं ना, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, ऐसे बांटे हैं ना, तो इसी तरह से ये सब जो कई युगों को मिला करके फिर वो किया जाता है, ये यूनिट हो गया, ये यूनिट हो गया। तो
तो मनु जो है बड़ी कई युग मिला देने से एक मनवंतर पैदा हो गए हैं। तो एक पैदा हो मतलब एक आदमी ने नहीं पैदा किया जैसे ऐसा है ना कि सारी प्रजाओं को राजा की संतान कहा जाता था, समझ गए? उस अर्थ में बच्चे हैं, इस अर्थ में बच्चे नहीं है कि उसी ने वही मनु और शत्रुपा दोनों ने मिल मिल करके इतना जन्म दिया, ऐसा नहीं है। प्रजा जो होती थी वो राजा की संतान मान जाती थी, तो वो चूंकि प्रथम राजा थे तो सारे जो जितनी प्रजाएं थी तो वो माने गए मनु की संतान प्रजा होने के कारण। एक एक गुरु जो होता है उसके जितने शिष्य होते हैं वे सब भी उसके संतान माने जाते हैं। तो वो जो है होते हैं ना, वो उस तरह के वो जो है मानसिक पुत्र कहा जाता है, मनस पुत्र। जैसे नारद जो हैं ब्रह्मा के मनस पुत्र माने जाते हैं, तो ऐसा होता है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि जो है इन लोगों ने मनु ने शत्रुघ्न ने आपस में संयोग कर कर करके इतने को जमा दिया, ऐसा नहीं हुआ। वो प्रथम राजा थे और राजा के जितने संतानें होती हैं जो प्रजाएं होती हैं वो संतानें मानी जाती हैं, उस अर्थ में संतान। उसी तरह से गोत्र कैसे चला, जिस जो भी ऋषि हैं तो गोत्र का मतलब ये नहीं होगा कि वो ऋषि जो थे और जो ऋषि का थी वो ऋषि और ऋषि का मिल मिल करके इतना जन्मा दिए तो उनका गोत्र हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसमें होता ये है कि जो ऋषि हैं उसके सिद्धांत को जो लोग मान रहे हैं, उनके जो शिष्य हो गए, जो अनुयायी हो गए, वे उनके गोत्र वाले माने गए। जैसे वत्स गोत्र है, हाँ हमारा वत्स गोत्र है ना, तो उसी तरह से जैसे मान लो मेरा भारद्वाज गोत्र है। तो अलग अलग जो गोत्र होते हैं तो ये गोत्र सभी, अभी देखोगे जितने भी जातियाँ सभी में वो गोत्र पाए जाते हैं, कोई ऐसे तो क्यों, क्योंकि वे सब सब उस शाखा के, जिस शाखा के वे ऋषि थे, हाँ तो उसके अनुयायी थे, उसके शिष्य थे, अनुयायी थे, तो वो लगातार उनके शिष्य, उनके जो बच्चे होते रहे वो उन्हीं से जो है दीक्षित होते रहे, तो ये गुरु शिष्य परम्परा चलती रही, तो ये गोत्र हो गया। तो इस तरह गोत्र परंपरा थी। और जो जन्माया जाता है उसको कुल कहा जाता है, यहाँ के सिस्टम में कुल है, वंश परंपरा, कुल। तो तुम्हारा कुल क्या है ये देखा जाता था। और यहाँ पर वह नहीं था कि जाति जैसा कोई शब्द नहीं था। जाति किसको कहा जाता है, जो एक जैसा जन्मता है उसको जाति कहते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति है, हाँ गाय एक जाति है, समझ गए? तो इस तरह से जातियाँ, जाति जाति शब्द का जो यहाँ पर उल्लेख है हम लोग के शास्त्र में वो इसी अर्थ में है, इस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में अभी हम लोग समझते हैं जाति। ये जाति तो बस ये जब आए हैं पुर्तगाली सब यहाँ पर तो उन लोगों ने शुरुआत किया, फिर जो है अंग्रेज़ों ने इसको वो किया, मुसलमानों ने बढ़ाया, क्योंकि मुसलमानों में भी ऐसे जाति सिस्टम था, वहाँ भी जन्म से सब था। जहाँ भी जन्म से होगा वहाँ पर ऐसा ही होगा। अब भारत में जन्म से नहीं था, भारत में सब व्यवस्था यहाँ कर्म से थी, यहाँ एक एक चढ़ता था। ये नहीं कि कोई एक ऊपर में है तो उसी का बच्चा फिर वहीं पर ऊपर में रहेगा, ऐसा सिस्टम नहीं था। यहाँ था कि कोई भी बन सकता है, ऊपर जा सकता है, कोई भी नीचे भी गिर सकता है, हाँ। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी। और कुछ लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वर्ण जो है वही जाति है, जाति जो है वही वर्ण है, ऐसा हाँ, क्योंकि अंग्रेज उसको अपने सिस्टम से ढाल दिए। भारत इसीलिए कन्फ्यूज हो गया कि अंग्रेजों के सिस्टम में, अंग्रेजों ने जब जब जनगणना कराई तो जनगणना कराने में इस तरह से वो ग्रुप बनाते रहे। 1941 में जाकर के शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब बनाया, पता है 1941 की जनगणना, हाँ। तो जनगणना वे लोग क्यों करा रहे थे, क्योंकि भारत को तोड़ना चाहते थे। उन लोगों ने तो शेड्यूल ट्राइब को भी अलग कर दिया, 31 में शेड्यूल ट्राइब को, इसको ट्राइब को अलग कर दिया हिंदुओं से, कहा कि ये हिंदू नहीं है, हाँ नहीं मान रहे, क्यों? हाँ क्योंकि उनकी एक स्कीम थी ना कि भारत को तोड़ना है और भारत को अपने व्यवस्था में लाना है। इन लोग ये कर्म के हिसाब से जो बन जाते हैं ये नहीं बनने देना इनको,
इनको जन्म से ही बनाते रहना है, ये जिसमें है जो जो व्यवसाय में है उसी व्यवसाय में ये बराबर रहें, और उसको इसीलिए उन जाति नाम जो है उन लोगों ने दिया। उन लोगों का सिस्टम वहाँ कास्ट सिस्टम चलता था, कास्ट बोलते थे वे लोग, कास्ट मतलब अंग्रेजी में पढ़ते हो ना जाति, तो कास्ट को इन लोगों ने जाति अनुवाद किया जाति के रूप में। और फिर जो है यहाँ के जो कबीले वगैरह थे ये सब थे, तो उन लोगों को कह दिया कि नहीं तुम लोग हिंदू नहीं हो। तो ये लोग अपने मन से ही करते रहे, क्योंकि किस तरह से धर्मांतरण किया जा सके, कैसे उनको अपने सिस्टम में लाया जा सके, ये था। और जो तुम्हारा वर्ण संकर वाला प्रश्न था ना, तो वर्ण कम कर्म से होता है, तो वर्ण संकर भी कर्म से होगा। वर्ण संकर का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया वर्ण का मतलब हो गया कोई एक कर्म वो विशेषता से कर रहा है, और वर्ण संकर का मतलब हो गया वो कई तरह के कर्म कर रहा है, यानी मौका पा रहा है तो छत्री भी बन जा रहा है, जब लड़ाई खत्म हो गया तब ब्राह्मण का भी काम कर ले रहा है वो वर्ण संकर है। हाँ, क्योंकि भाई युद्ध हो गया है, आर्थिक व्यवस्था सबकी छिन्न भिन्न हो गई है, सामाजिक व्यवस्था तो क्या हो गया, कहीं लड़ाई भी कर लिया, हाँ तो कहीं पर जा करके अपना मजदूरी भी कर रहा है, कहीं कोई शिल्प कला सीख लिया, कहीं कुछ दबाव बनाना सीख लिया, इसी तरह से अपना जीवन जी रहा है ना, तो ये सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी तो वर्ण संकरता आ जाएगी। क्योंकि सामाजिक अभी जो व्यक्ति जिसमें ट्रेंड है वो वही कर रहा है, और जब अस्त व्यस्त हो जाएगा तो अब व्यक्ति जो है अनट्रेंड रहेगा, तो थोड़ा बहुत ये कर दिया, थोड़ा बहुत वो कर दिया, अपना परिवार को कैसे भी जिलाएगा ना, तो कई तरह के काम करेगा, मौका पाएगा तो मांस भी बेच रहा है, हाँ मौका पाएगा तो पोथे भी पढ़ रहा है तो ये इसको हाँ तो ये वर्ण संकरता है, यही वर्ण संकरता है। तो युद्ध जब हो जाएगा और सब मारे मरे जाएंगे, सारे सामाजिक ताना बाना जो खत्म हो जाएगा, तो वर्ण संकरता आ जाएगी। वर्ण संकरता इस अर्थ में आती है, हाँ यानी कोई एक्सपर्ट नहीं रह जाएगा, कहने का मतलब ऐसा हो गया, और जिससे उसका आजीविका चले, सब छिन्न भिन्न हो गया, कहीं शिक्षा नहीं, कहीं ट्रेनिंग नहीं, स्कूल कॉलेज सब नष्ट भ्रष्ट हो गए, तो वर्ण संकरता आ जाएगी। जिसको जो समझ में आ रहा है कमाने का उसी से कमा रहा है, तो कोई छत्री का काम कर रहा है, तो कोई वैश्य का, तो कोई शूद्र का, कोई व्यापार कर रहा है इधर से उधर, तो वैश्य भी हो गया, और कोई मूर्तिकला तो संगीत तो ये वो ये सब करने लगा, अब शूद्र में आ जाएगा। उस समय ऐसा नहीं था, कोई भी किसी से शादी कर सकता था, हाँ हाँ या भी हो सकता है कि अगर रहा नहीं हुआ, रहा ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है ना, रहा हो कैसे सकता है, कोई 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 हाँ सब लोग करते थे, जिसको जिससे जिससे जो पसंद आ गया उसे कर लिया। प्रेम तो मैं ये समझ भी चल रहा है, लेकिन प्रेम यहाँ पर हाँ तो यही तो अंग्रेज चाहते थे ना, यही तो अंग्रेज चाहते थे कि ये सब आपस में इतनी दूरी बना लें, इतनी कटुता हो जाए कि इनमें शादी विवाह हो ही नहीं, शादी विवाह होगा तभी ना प्रेम परस्पर बना रहेगा। अंग्रेज यही चाहते थे कि शादी विवाह जो है ना होने पाए, और अलग अपना जो है अपने अकड़ में एक अलग रहे, दूसरा अपने अकड़ में अलग रहे, दोनों विवाह में संबंध नहीं रहेगा तो इनके बीच में घृणा इतना पैदा कर दिया जाए, दरार इतना डाल दिया जाए कि अब इनका शोषण किया जा सकता है, इनका शासन किया जा सकता है, एकजुट समाज रहेगा तो हम लोग को मार मार के भगा देंगे, तो उसमें वो सफल रहे। और अभी उनकी जो औलादें हैं माने उनकी मानसिक औलादें जो हैं, हाँ तो वो अभी वो काम कर रही है, वही काम कर रहे हैं उसी को, इसीलिए जनगणना जाति जनगणना जाति जनगणना जो हल्ला मचाया जा रहा है वो इसीलिए मचाया जा रहा है कि इसको जितना तोड़ा जाएगा वोट को जलाने में उतनी सुविधा हो। हाँ पहले जो जनगणना होगी उसमें जितनी जातियाँ थी 1600 कुछ आसपास के आसपास जातियाँ बताई गई थी शुरुआत में, जनगणना होगी थी पहले, अब धीरे धीरे होते 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 जनगणना क्या करना है, जनगणना जो हुई है उसी चार 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 हजार से कितने ज़्यादा तो खाली अब जो है बैकवर्ड मान लिए जाने लगे, ओबीसी हो गया,
तो कितनी कितनी जातियाँ बना दिया, सब जाति सब जाति सब बनाते चले गए। क्योंकि जितना इसको तोड़ दोगे, जितना छोटे छोटे काट दोगे, उतना ही आसान रहेगा शासन करना, उतना ही इसमें एकता घट जाएगी और उतना ही हम लोग इसको तोड़ फोड़ कर सकेंगे, धर्मांतरण कर पाएंगे।